अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे और दही के रायते के साथ। ये चाहिए हमें 1 किलो आलू है। ये को धो करके मैंने 2 गिलास पानी डाल कर कुकर में रख दिए हैं और को कुकर लगा कर सीटी हम लगाएंगे, आलू गलने रख देंगे। उसके बाद हम आटा भिगाएंगे। ये है 1 किलो गेहूँ का आटा है ये। अब इस आटे को हम मैं भिगाऊँगी। अब इसमें हम डालेंगे पहले 1 चम्मच चाय की चम्मच से नमक डाल देंगे। उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल है ये। ये है छोटी ग्लास से आधी ग्लास तेल है ये। इससे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे हमारे पराठे तेल डालने से। चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं, मैंने तेल डाला है। अब इसको आटे को नमक को हम आग मिला लेंगे मिक्स करने के बाद। अब पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे आटे को। ये देखिए ऐसे इसको हम गूंदते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ताकि हमारा आटा सॉफ्ट बने। ज़्यादा पानी एकदम पहले डाल देंगे तो हमारा आटा पूरा गीला हो जाएगा, फिर रोटी बेलने नहीं आएगी। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए उसको आटा भिगाएंगे। ये आटा गूंद चुकी हूँ मैं, हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक कर ऐसे ही रख देंगे। अब हमारे आलू हो चुके हैं, देखिए उबल गए हैं आलू। देखिए छुरी जा रही है इसमें, देखो आलू अच्छे से उबल चुके हैं। इसको छील लेंगे। देखिए छील चुकी हूँ मैं, अब इसको हम मैश कर लेंगे। ये गरम है थोड़े आलू। अब इसको हम 1 गिलास की मदद से मैश करेंगे, ताकि आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। गरम गरम पे ही हम लोग मैश करेंगे। अच्छे से मैश होता है गिलास से करने से, पीछे से। सारे आलू को ऐसे ही हम लोग मैश करते जाएंगे। ये आलू देखिए अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम लोग 2 डल्ली है बारीक प्याज कटी हुई, 2-3 हरी मिर्चें हैं और 1 कोथमीर बंच है। अब इन सबको हम लोग आलू में डालकर मिला लेंगे। अब ये मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नमक डाल देंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम लोग आटे में इसको भरते हुए पराठे बना लेंगे। मिक्स करती हूँ मैं, ये देखिए। अब ये देखिए आलू का पेड़ा ले ली, आटे का पेड़ा ले ली हूँ मैं। अब इसको ऐसे ही हम लोग आटे को ऐसे गोल कटोरी के सर का बना लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें आलू भर देंगे। ये देखिए आलू आटे का पेड़ा बन चुका है। अब इसमें हम आलू डालकर इसमें भर देंगे। ऐसे भरने के बाद अब इसको हम बेल लेंगे। अगर आपको पहली बार बना रहे हैं तो पहली बार फूट जाएगी रोटी, फिर आप दूसरी बार हल्लो धीरे धीरे से करिए, ऐसे हाथ से ही करिए, बेलन से फूट जाएगी। मैं हाथ से ही करती हूँ। ये देखिए थोड़ा आटा लगाते हुए हम लोग इसको ऐसे ही मारते जाएंगे। बस हमारा आलू का पराठा ही बन चुका है, इसको सेकना बाकी है। ये देखिए ऐसे आलू फूटी भी नहीं है हमारी रोटी, आलू बाहर नहीं आया है। बस थोड़ा सा आटा लगा कर फिर थोड़ा सा ऐसे ही दबा हल्के से बेल लेंगे। तवे पर डाल के इसको सेक लेंगे। उसके बाद आप लोग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।